चुका है तो बी सेफ। सबसे पहले आपको हर दिन एक मास्क बदलना है। आप कोई भी लोकल हॉस्पिटल या कोई भी लोकल हेल्थ सेंटर से ये एनएस19 का मास्क खरीद सकते हैं जो 1500 रुपीज़ कॉस्ट करता है। लेकिन ये मास्क बहुत एक्सपेंसिव है, इसके जगह आप कोई भी नॉर्मल मास्क यूज़ कर सकते हैं। इसको धोकर आप इसके ऊपर सेवलॉन के ड्रॉप्स डालकर सुखाकर इसे पहन सकते हैं। ये बिल्कुल एनएच19 की तरह काम करेगा। और जो भी ऐसा मास्क यूज़ करते हैं सेवलॉन डालकर, उसे हर रात को धोए और सुबह उठकर इसे हेयरड्रायर या आप कोई भी अपना धूप में सुखा सकते हैं। ये 5 मिनट लगता है गाइस, कोई एफर्टलेस नहीं है। धो के बस सेवलॉन डालना है और फिर सुखाना है, कोई बड़ा काम नहीं है, वो बड़ा मसला नहीं है। आप इसको पहन के भी आप बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इट्स वेरी कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये भी पहन सकते हैं, पर इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रोज़ पहन सकते हैं क्योंकि इस पर कुछ फीचर्स हैं कोरोना टाइम्स के जो बहुत काम आते हैं। और आप अगर कुछ लोगों के पास मास्क नहीं है तो वो टेबल क्लॉथ पर साइड पे, फॉर एग्जांपल ये टेबल क्लॉथ है तो आप साइड में दो दो छेद करके छट घुसा के पहन सकते हैं। उस पे भी आप थोड़े बहुत सेवलॉन के ड्रॉप्स डालकर, और याद रखिए कि आप कोई हार्ड टिश्यू पेपर या कोई टॉयलेट पेपर यूज़ करिए क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। सेकेंड टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जिसे भी सर्दी जुकाम है गाइस, प्लीज़ उनसे दूर रहें, बैक्टीरियाज कॉज बहुत हो रहे हैं। और अगर आप किसी से हैंडशेक करने जा रहे हैं, कोई आपसे हैंडशेक करने जा रहे हैं, तो आप हैंडशेक नहीं करें, आप नमस्ते करें। आप अपनी इंडियन संस्कृति को फॉलो करिए, इंडियन संस्कृति को फॉलो करते टाइम आप नमस्ते करिए। बैक्टीरियाज दूसरे हाथ में आएंगे भी नहीं और आपके पास भी नहीं आएंगे। बैक्टीरियाज आप दोनों के हाथ से बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होंगे और ऐसे करने से कोई बुरा भी नहीं मानेगा। थर्ड टिप है कि आप हर उन लोगों से दूर रहिए जिसे सर्दी या जुकाम है। और आप कोई भी विटामिन सी टैबलेट खरीद सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है गाइस, अब 40 से 50 रुपये में आता है गाइस, कोई एफर्ट नहीं है, इतना तो होता ही होगा, बच्चा भी खरीद सकता है अपना पॉकेट मनी से, तो कोई ऑप्शनल ही है गाइस। आप विटामिन सी टैबलेट, अगर आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको हो रहा है कि वहाँ कुछ होने वाला लग रहा है, वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, स्नीजिंग बहुत आ रहा है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आप हर दिन अपना हाथ धोए और कम से कम जहाँ जहाँ पे आपको टैप दिखे, या अगर आपके पास टैप नहीं है तो आप उसमें कोई भी नीम के पत्ते या बेसिल लीव्स आप उसे उबाल कर गर्म पानी में, जो ग्रीनिश वाटर आप छान के आएगा उसके ऊपर थोड़ा सा पीस के आलम डाल दीजिए, सॉरी उसे हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं, फिटकरी डाल दीजिए और कपूर डाल दीजिए, उसे मिला के कोई मम्मी जो बॉटल ख़त्म करती है तेल वगैरह का, उसमें डाल के अपने हाथ में लगा लीजिए। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, ये अपना इंडियन तरीका है जिससे आप कर सकते हैं अपना हाथ वॉश। और मोस्ट आप जब भी आप अपना हाथ धोए साबुन से धोए, और पीछे की साइड में भी क्यूटिकल्स, नेल्स के क्यूटिकल्स में भी, यहाँ पर नेल्स पर भी, बीच में भी आप धो सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है गाइस, बैक्टीरियाज यहाँ पे स्टक बिल्कुल नहीं होंगे। जब 45 दिन में दिल्ली का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री हो जाएगा तो ये वायरस ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तब तक हम लोग को सेफ रहना है गाइस, ये मास्क पहनना है, हर उन लोगों से दूर रहना है। और गाइस प्लीज़ थोड़ा, कुछ दिनों की बात है गाइस, थोड़ा पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करिए, मॉल मार्केट ये थोड़ा पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करिए गाइस, बहुत इफेक्टिव है गाइस। कुछ दिन की बात है फिर ये वायरस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा जब दिल्ली का टेम्परेचर 45 दिन में 30 से 35 डिग्री हो जाएगा। बी सेफ इंडियंस, बी सेफ, डोंट पैनिक। न्यूज एंड अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Also press the bell icon. Thank you.